कैसे बने गुलशन ग्रोवर खलनायक, किस फिल्म से मिली गुलशन ग्रोवर को विलन के रूप में पहचान, मोगुल में क्या होगा गुलशन ग्रोवर का किरदार। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। गुलशन ग्रोवर फिल्मों में अपने खतरनाक लुक और पंचलाइन की वजह से हमेशा दर्शकों के दिलों को जीतते रहे हैं। वो बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो लीक से हटकर एक्टिंग करने के लिए जाने जाते हैं। गुलशन ग्रोवर ने अपने करियर को ज्यादातर फिल्मों में विलन की भूमिका में अदा किया है और बड़े पर्दे पर काफी अच्छे से छाप छोड़ी है। जब गुलशन ग्रोवर ने अभिनय की दुनिया में खुद का करियर बनाने का फैसला किया था तो बॉलीवुड में कदम रखने से पहले गुलशन ग्रोवर ने थिएटर ज्वाइन किया और अभिनय सीखा। लंबे समय तक थिएटर करने के बाद उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई पहुंचकर भी गुलशन ग्रोवर ने अभिनय की और भी क्लासेस ली। उनके क्लासमेट अनिल कपूर थे। गुलशन ग्रोवर पहली बार फिल्म हम पांच में नजर आए थे। ये फिल्म साल 1980 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने छोटा सा रोल किया था। हम पांच के बाद गुलशन ग्रोवर बुलंदी, रॉकी, सदमा, अंदर बाहर और वीराना जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली फिल्म राम लखन से। फिल्म राम लखन में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम बैडमैन था। उनका ये किरदार इतना मशहूर हुआ कि आज भी बहुत से लोग उन्हें बैडमैन के नाम से ही जानते हैं। बॉलीवुड के अलावा गुलशन ग्रोवर ने हॉलीवुड की भी फिल्मों में काम किया है। उनके अभिनय के दीवाने भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हैं। गुलशन ग्रोवर ने अपने मन से फिल्मों में विलन का किरदार करने का फैसला किया है। गुलशन ग्रोवर का खलनायक बनने का एक और कारण ये था कि उन्हें लगता है कि फिल्मों में खलनायक की जिंदगी लंबी होती है। उनकी लंबी उम्र व्यक्तिगत घमंड और अच्छे लुक्स पर नहीं बल्कि उनके प्रदर्शन पर आधारित है। उनकी कोई उम्र नहीं होती है और इसीलिए भी उन्हें लगा कि ये काफी चुनौतीपूर्ण है। इसने बहुत अच्छी तरह से अनुकूल बनाया, इसलिए उन्हें इसको रोक करने का फैसला किया और उनकी ये सोच उन्हें आज फिल्म मोगुल तक खींच कर ले आई, जिसमें गुलशन ग्रोवर गुलशन कुमार के हत्यारे दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाएंगे। एक बार फिर राम लखन का बैडमैन सिनेमा की सीढ़ियों को चढ़ेगा। आपको बता दें कि मोगुल फिल्म गुलशन कुमार की बायोपिक होने वाली है, जिसमें उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर को उजागर किया जाने वाला है, जिसमें आमिर खान गुलशन कुमार की भूमिका निभाने वाले हैं। अगले साल से इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या इस बार फिर गुलशन कुमार बैडमैन के किरदार को ठीक से निभा पाएंगे? क्या फिर से खलनायक की दुनिया में गुलशन ग्रोवर भोकाल लाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सेफ रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।